दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हाइना और जंगली कुत्ते एक ही पेड़ के दो कमीने फूल हैं, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जो काम हाइना करते हैं, जैसे कि दूसरे जानवरों का शिकार चुराना, किसी और जानवर के काम में टांग अड़ाना, बिल्कुल यही सब काम जंगली कुत्ते भी करना पसंद करते हैं। कुल मिला के बस बात इतनी सी होती है कि इन दोनों जीवों को बस अपना पेट भरना होता है, और ऐसा करने के लिए ये किसी का भी पिछवाड़ा छलनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इन हजारों भैंसों के बीच परेशान हो रहे इन जंगली कुत्तों का आतंक, क्योंकि भैंस के सिर्फ पैर तक आने वाले ये कुत्ते पहले तो इन भैंसों को दौड़ा दौड़ा कर इनमें से एक भैंस झुंड से अलग करते हैं, फिर उसके बाद ये भूखे जंगली कुत्ते अपनी कुत्ता ही दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे किसी जोक की तरह कुत्ते इस भैंस के चारों तरफ लटक जाते हैं और धीमे धीमे इस भैंस का खून चूस चूस कर कुत्ते इसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन कुत्तों की भूख अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भूख इनके पेट में नहीं, इनके दिमाग में होती है। और बस फिर क्या, कुत्तों को भैंस का बच्चा भी मिल जाता है, और बिल्कुल उसी तकनीक से कुछ ही कुत्ते इस बच्चे को भी अपना नाश्ता बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे कुत्ते मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि इस बच्चे को मारना इनके बाएं हाथ का खेल है। सच बता रहा हूँ, पहली बार इस सुअर पर मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि आप भी जरा इस बेचारे सुअर का मुंह तो देखो, क्योंकि इस सुअर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कुत्ते इसे घसीट क्यों रहे हैं। और इसी बात को समझने के लिए सुअर कुछ देर बैठकर सोचने लगता है, लेकिन सुअर को ये नहीं पता था कि जितनी देर में ये सोच पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, उतनी देर में कुत्ते इस सुअर का काम तमाम कर देंगे। तो दर्द इतना बढ़ चुका था कि सुअर की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, और हमारे हिसाब से अब सोचने का भी क्या फायदा, क्योंकि चिड़िया ने तो खेत चुग ही लिया। अब एक और जंगली सुअर की कहानी देखो, क्योंकि इसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये पेला जाने वाला है। लेकिन कुत्ते भी जो कमीने जानवर होते हैं कि इस सुअर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन फिर भी सुअर किसी तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन जंगली कुत्तों को चकमा देने में आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। आज लग रहा है जंगली सुअरों के दिन बहुत खराब है, क्योंकि फिर से एक सुअर अपनी जान बचाकर इन जंगली कुत्तों से भाग रहा है, और भागते भागते बेचारे सुअर का आखिरकार दिमाग फेल हो जाता है, जिससे सुअर कुत्तों के सामने ही जमीन में गड्ढा खोदकर छुपने की कोशिश करने लगता है। सच में इस सुअर का दिमाग बहुत तेज है, और सच में इन सुअरों को इस बबून से क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे ये बबून इन कुत्तों के सामने एक असली मर्द की तरह सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी कई बार कुत्ते पीछे से अपनी कुत्ताई दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बबून की मर्दानगी और फुर्ती की वजह से कुत्ते इस बबून का बाल भी माका नहीं कर पाते। अब यहाँ भी कुत्ते बबून के परिवार पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार का मर्द इन कुत्तों को अपने साथ बिजी रखता है, जिसमें परिवार के दूसरे बबून आसानी से वहां से भाग पाए, और इस मर्द के पास इन कुत्तों की हिम्मत भी नहीं होती कि ये जाके इसे अपना शिकार बना पाए। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इन बबून ने अपनी मर्दानगी साबित की है, जैसे कि ये कुत्तों का झुंड एक जंगली भैंस को तो आराम से मार गिरा सकता है, लेकिन इस मर्द के सामने इनका पसीना भी सूख कर भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि इनमें से किसी कुत्ते की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाए और इस मर्द को अपना दांत गड़ा दे। क्योंकि सच बात तो ये है कि इस मर्द को मारने के लिए कलेजा चाहिए, और वो इन कुत्तों के पास नहीं है, तो बस इनका यहाँ से चला जाना ही इनके लिए सबसे बेहतर होगा। अब यहाँ पर ये सीधा साधा जवान हिरन तालाब से नहा के निकला ही था कि इसके पीछे तुरंत ये जंगली कुत्ते दौड़ने लगते हैं। तो बस फिर हिरन भी अपना पिछवाड़ा जख्मी होने से बचाने के लिए पूरी जान लगाकर भागता है, लेकिन अब इस हिरन को लगता है कि इन कुत्तों से बचना मुश्किल है, तो ये तुरंत पानी में एक लंबी डाइव मारता है। लेकिन उसके साथ एक और भी तो हिरन था, और कुत्तों को तो खाने से मतलब होता है, अब वो चाहे जहां से मिले। और ये हिरन भी उस हिरन की तरह ज्यादा फुर्तीला नहीं था, जिसकी वजह से भाग भाग कर आखिरकार ये हिरन थक जाता है, और आखिरकार कुत्ते पुलिस की तरह इस हिरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इस हिरन ने अपने भाई को पानी में कूद कर जान बचाते हुए देखा हुआ था, और ये भी ऐसे ही जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते अब इतने भी कुत्ते नहीं है कि ऐसे आसान शिकार को इतनी आसानी से छोड़ दें। लेकिन ट्रिक काम करती है, और कुत्ते आखिरकार इस बच्चे को छोड़ देते हैं। दोस्तों, जेब्रा भी उन जानवरों में से एक है जिन्हें जंगली कुत्ते अपना खाना बनाने में कभी नहीं चूकते, लेकिन एक बड़े जेब्रा को अपना शिकार बनाना इन कुत्ते के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जेब्रा की लात इन कुत्तों को स्वर्ग की सैर एक झटके में करा सकती है। लेकिन यहाँ इस जेब्रा ने बस अभी ही अपने बच्चे को जन्म दिया है, और इस बच्चे की महक इन कुत्तों की नाक तक पहुंच गई, जिसके बाद पलक झपकते ही इन कुत्तों ने इस बेचारे बच्चे को नोच नोच कर मार दिया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जंगली कुत्ते सीधे साधे जानवरों पर हमला करते हैं, बल्कि कई बार ये हाइना जैसे जानवर पर भी हमला कर देते हैं, जो इन कुत्तों से कुत्ते ही में 10 गुना ज्यादा कुत्ते होते हैं।
लेकिन अकेला हायना भी इन कुत्तों के सामने बेबसी होता है और उसके पास भी भागने के अलावा और कोई चांस नहीं होता। लेकिन फिर भी हायना जैसे जल्लाद जो दूसरे जानवरों का पिछवाड़ा नोचने के लिए मशहूर होते हैं, आज वही हायना अपना ही पिछवाड़ा नहीं बचा पा रहा। अब यहाँ पर तो इस हायना के साथ काफी बुरा हुआ, क्योंकि इस बेचारे हायना ने तो इस जंग में अपनी रक्षा करते करते अपने प्राण ही त्याग दिए, जो कि बड़े ही दुख की बात है। दोस्तों कुछ बातें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जैसे कुत्ता कभी शेर को नहीं हरा सकता, और अगर मान लो कुत्तों को एक शेर को हराना भी है तो कुत्तों को जंगली कुत्तों की तरह झुंड में हमला करना होगा। लेकिन फिर भी इस कुत्ते के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि अकेले ही ये कुत्ता शेर और शेरनी पर हमला कर देता है। चलो इस कुत्ते की हिम्मत तो ठीक है, लेकिन इस बेचारे को जंगल में छोड़ कौन देता है, क्योंकि कुत्तों की शेर से जंगल में लड़ने की कई वीडियो हैं। दोस्तों जंगली कुत्तों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जंगल में उन्हें किस जानवर का शिकार करना है, क्योंकि शिकार चाहे जितना बड़ा हो ये साले हमला जरूर करते हैं। जैसे कि इस विल्डर बीस्ट को देखो, जो कि साइज में काफी बड़ा है, और इसका एक हमला कुत्ते की जान भी ले सकता है। लेकिन कुत्ते भी सही समय का इंतजार करते हैं, और सही मौका मिलते ही विल्डर बीस्ट पर हमला कर कुत्ते इसका काम तमाम भी कर देते हैं। दोस्तों मुझे तो सच में लगता है जंगली कुत्तों से समझदार जानवर जंगल में कोई नहीं होता, क्योंकि शेर जैसे जानवर शिकार न मिलने पर दो दो दिन भूखे रहते हैं, लेकिन ये कुत्ते कहीं न कहीं से अपने लिए शिकार ढूंढ ही लेते हैं। और ये विल्डर बीस्ट तो बेचारा बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इस बात का अंदाजा तो आपको इस बेचारे विल्डर बीस्ट की शक्ल से लग गया होगा। दोस्तों आप जरा इन कुत्तों का टीम वर्क देखो, क्योंकि इसी टीम वर्क की वजह से ये कभी भूखे नहीं सोते और हमेशा इन्हें शिकार मिल जाता है। और हम इंसान भी इन कुत्तों से चाहे तो काफी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों तब क्या होता है जब कुत्तों में आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इनकी जब आपस में लड़ाई होती है तो ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि इन कुत्तों को देखो, जिनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए हो रही है। दोस्तों अब जंगली कुत्तों को आप अच्छे से जान गए हो, और ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता हो गई कि जंगली कुत्ते छोटे या बड़े शिकार नहीं देखते, बस उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन हनी बैजर एक लौता ऐसा जानवर है जिस पर इन कुत्तों की हमला करने की हिम्मत नहीं होती, और इस क्लिप में आपको चार चार जंगली कुत्ते दिख रहे होंगे और एक हनी बैजर, लेकिन फिर भी ये कुत्ते इस पर हमला नहीं कर पाते, क्योंकि कुत्तों को भी पता है कि हनी बैजर भी बहुत ही ज्यादा पागल जानवर होते हैं और ये भी किसी से डरते नहीं है, और बैजर अपनी इसी निडरता की वजह से वहां से निकल भी जाते हैं, और ये जंगली कुत्ते वहीं अपना मुंह लेकर खड़े रहते हैं। और यहाँ भी जब ये तीन जंगली कुत्ते इस हनी बैजर पर हमला करते हैं तो हनी बैजर वहाँ से भागता नहीं, बल्कि डटकर इन कुत्तों का सामना करता है। अब दोस्तों इस वीडियो में जब ये कुत्ते इस सांबर के बच्चे को खाने की सोचते हैं, तो सांबर की माँ अपने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कुत्ते कितने ज्यादा दिमागदार होते हैं, और धीमे धीमे हमला करके बच्चे को बिल्कुल आराम से अपना शिकार बनाते हैं। बिचारी माँ से जितना हो सकता है अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इन कुत्तों के आगे इस बिचारी की कहाँ चलने वाली थी, और आखिरकार बच्चा शिकार हो ही जाता है। दोस्तों चाहे जमीन हो या फिर पानी, जंगली कुत्तों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो बस अपना शिकार सामने दिखता है जिसको पकड़ने के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ घंटों मेहनत करने के बाद आखिरकार इस सांभर को ये कुत्ते पकड़ ही लेते हैं, और पानी में मार कर इस सांभर को जमीन में लाकर फिर आराम से खाते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आपको हायना के ऊपर देखनी है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।